हमारे एक भाई है, भाई मुकेश सहनी जी। भाई मुकेश सहनी जी हमारे एक भाई है, जिनको बिहार का तमाम निषाद समाज, मल्लाह समाज उनको साथ दिए। और साथ दिए किस लिए कि भाई हम राजनीति के माध्यम से अपने समाज को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएंगे। लेकिन जब जब इस समाज को सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि चुनने की बारी आई, निषादों के पीठ पर चाकू मारने का काम किया है। से पूरा आज बिहार नहीं देश शर्मसार हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष का जब नाम लिया जाता है तो लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठता है, मन बाग बाग हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ये पहली बार आजादी के बाद जब कहीं गांव में जाता हूं तो कहता हूं कि भाई आजादी के बाद सरकारें तो बहुत बनी। जितने बूढ़े रहते हैं अपने अभिभावक से पूछते हैं कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए भैया, आजादी के बाद कौन ऐसी सरकारें बनी जिसके कार्यकाल में गरीबों के लिए सबसे अधिक योजना बनी? नरेंद्र मोदी के अलावा और किन्हीं के कार्यकाल में बना क्या? सभी का गर्दन भी हिलता है, हाथ भी हिलता है और मुंह से भी कहता है नहीं बाबू नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिजली दिए, शौचालय दिए, गैस दिए, बैंक में खाता दिए। मुझे लगते रहता है भाई ये तो सैकड़ों बरस से है, सैकड़ों बरस से ये सब कुछ था। लेकिन कहा था केवल और केवल सक्षम लोगों के घर में, समृद्ध लोगों के घर में था, चाहे वो कोई भी जाति का हो सकता है। नहीं था तो किसके घर में नहीं था? केवल और केवल गरीब के घर में नहीं था। आज पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के घर में ये सारा संसाधन जुटाने का काम किए, इसीलिए आज पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नाम का तुती है। आज केवल वो गरीब के लिए ही काम नहीं किए हैं, देश के रक्षा, धर्म के रक्षा, संस्कृति के रक्षा के नाम पर 370 भी हटाए, 3 तलाक भी समाप्त किए और राम जी का मंदिर भी बनाए। कितने लोग हैं जिन्हें राम मंदिर का, दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण होने से प्रसन्नता है, खुशी हुई है? जरा हाथ उठा के बताने का काम करेंगे किन्हें किन्हें खुशी है। बस यही बात आपसे पूछना चाहता कि आप किन्हें वोट देंगे? आप एनडीए प्रत्याशी को यदि वोट देते हैं तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और राम जी का काम करने वाले, गरीबों का काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत होगा। और यदि दूसरे को वोट देंगे तो 3 तलाक का विरोध करने वाले, 370 का विरोध करने वाले, और तो और राम जी का मंदिर ना बने इसका भी विरोध करने वाले का हाथ मजबूत होगा। आप किसे चाहते हैं? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपके मन में होगा कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में तरह तरह का योजना गरीबों के लिए आता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि एक गरीब ने माँ के कोख से पैदा लिया, एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके हृदय में गरीब के लिए तरह तरह का योजना बनता है, वो गरीब को अपना मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जब गरीब को अपना समझते हैं तो आपको भी प्रधानमंत्री को अपना समझना पड़ेगा। कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजता है, तो आपको भी उनको अपना मानना पड़ेगा, तभी जाकर गरीबों का भी कल्याण होगा और दुनिया के मानचित्र पर भारत का भी नाम होगा। लेकिन एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ लोग होते हैं कि किसी के उपकार को मानते ही नहीं है। हमारे एक भाई है, भाई मुकेश सहनी जी। भाई मुकेश सहनी जी हमारे एक भाई है, जिनको बिहार का तमाम निषाद समाज, मल्लाह समाज उनको साथ दिए। और साथ दिए किस लिए कि भाई
हम राजनीति के माध्यम से अपने समाज को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएंगे। लेकिन जब जब इस समाज को सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि चुनने की बारी आई, तो जिस समय में 3 टिकट उन्हें मिला था लोकसभा का, उस समय भी मल्लाहों को वो हाथ नहीं आने दिए। जिस समय में विधानसभा में जब वो बोले थे कि हमको आरजेडी पीठ में खंजर मारा, तो खंजर मारा तब मलहम किसने लगाया? मलहम लगाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 11 टिकट देने का काम किया। लोगों को लगा उस समय में कि भाई 4 सीट 5 सीट देता ही तो इसके लिए बहुत होगा, हो जाता। 11 सीट दिया। इसलिए 11 सीट दिया कि किसी भी तरह से मलाह समाज के बीच से जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, अपने अपने क्षेत्र के समस्या का निदान करेंगे और इस समाज का उत्थान होगा। लेकिन वहां भी निषादों को टिकट देने का काम नहीं किए। फिर वर्तमान समय में भी अभी 3 टिकट मिला, यहां पर भी 3 में 1 भी सीट नहीं दिए। मैं आपसे पूछना चाहता, देसी गाय हो या जर्सी गाय, जिसको हम दोनों टाइम हरी हरी काट काट कर खिलावे, चुन्नी कोराय खिलावे और दूध बाल्टी में देने के बदला सितुओं में नहीं दे, चम्मचों नहीं दे, तो कितना दिन तक उस गाय को हम हरी हरी खिलाते रहे? मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी ऐसे गाय को बहुत लंबा समय बांध कर रखते हैं। उसका गर्दन से घंटी डोरी खोल देता है और कहता है, हे गौ माता, जितना दिन हम सके आपका सेवा किए, अब हमको माफ कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे खोल देते हैं और कुछ लोग तो कोनो खास आदमी के हाथ पाई के लोभ में बेच देते हैं। खैर वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है जो लोग मल्लाह को ये सुविधा नहीं देने दिया, इसका अर्थ हुआ कि वो उसने निषादों के पीठ पर चाकू मारने का काम किया है। और जो अमित भाई शाह, जो प्रधानमंत्री जी, उन्हें सारा का सारा सुख सुविधा देने का काम किया, उनके घंट में जितना वो गलत बयान देते हैं, वो उससे पूरा आज बिहार नहीं देश शर्मसार हुआ है। इसलिए मैं सबों से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आप इसी एनडीए के उम्मीदवार को यहाँ भारी से भारी बहुमत से जिताकर भेजे। ये जीतना केवल गरीबों के लिए जरूरी नहीं है, भारत के लिए जरूरी है, ये विश्व के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को अनाज पूरे विश्व चाह रहा है, इसलिए आप यहाँ से इन्हें जिताकर भेजे अपने प्रत्याशी को, ताकि हम कह सके कि समस्तीपुर से भी हम भारी बहुमत से जिता कर भेजे हैं, और सीना ठोक के ये कह सके। मैं इसी आशा अपेक्षा के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।